हम लोग यहाँ पर सब खैरियत से है और हम दुआ भी करेंगे जी। माशाल्लाह ये हमारे हैदराबाद के हुज्जाज है। तो मुझे जैसा कि कमेंट आया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो रूम टूर आप कर रहे हैं वो बिल्डिंग 116 का है और यहाँ हमारे हुज्जाज आए थे, तो जो है वो हम मिलने गए थे। हम वहाँ कुछ ही देर बैठे और फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए निकल चुके थे। तो आसपास में जो पेंडिंग रिक्वेस्ट थी और काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई थी उनको मैंने पूरा किया है। जितने कमेंट्स आए थे वो तमाम रिक्वेस्ट तो पूरी नहीं हुई हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे हज से पहले या हज के बाद जो है वो हम रिक्वेस्ट आपकी पूरी करें। हज के बाद भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट पूरी की जा सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं हज का वक्त बहुत ही करीब आ गया है और हुज्जाज जो है वो 7 तारीख से मीना की तरफ रवाना होंगे। कुछ हुज्जाज 7 तारीख को रवाना होंगे और कुछ हुज्जाज जो है वो 8 तारीख को रवाना होंगे। अच्छा, तो आगे आप बिल्डिंग नंबर 53 रूम नंबर 503 के हुज्जाज से मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी माशाल्लाह ये हमारे हैदराबाद के हुज्जाज है। तो मुझे जैसा कि कमेंट आया था, तो काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम जो है ट्राई कर रहे के आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करें। तो अच्छा माशाल्लाह आप लोगों के नाम? अच्छा, आपके घर से कमेंट आया था कि आप लोग उनसे मुलाकात करें और आप लोगों की वीडियो जो है अपलोड करें। तो इंशाल्लाह कल आप लोग जो है मीना की तरफ रवाना होंगे। हज की तैयारी हो गई आप लोगों की? चलो माशाल्लाह अल्लाह आसान करें। कैसे गुजरे मक्का में दिन? कोई परेशानी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करें आप। माशाल्लाह बिल्डिंग में कोई परेशानी? माशाल्लाह। अच्छा, आपके घर वालों को कुछ बोलना चाहेंगे? बस थोड़ा नेटवर्क का इशू है ना, इसीलिए बातचीत। अच्छा, थोड़ा मसरूफ थे ये। हाँ, ईशा में हरम में पड़े। हाँ माशाल्लाह, इसीलिए बस और कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों के हज में आसानी करे। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ठीक है, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो माशाल्लाह ये जो है हमारे हैदराबाद के हुज्जाज की गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी है और उनसे मुलाकात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे एक अफवाह उड़ाई गई थी कि बिल्डिंग नंबर 59 के 5th फ्लोर पर आग लगी है। यहाँ पर मैंने पूछताछ की तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा स्मोक की वजह से जो है वो फायर का सायरन जो होता है बिल्डिंग में फिक्स, वो बजने लग गया था, बस और कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह जो है अफवाहें ना फैलाएं। ओके, और एक नंबर जो था हमारे पास रिक्वेस्ट में वो बिल्डिंग नंबर 60 था, तो जो इसी के पास में था मैंने सोचा कि चलें यहाँ पर भी जो हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसको पूरी करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हुज्जाज पूना के थे माशाल्लाह, इनसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर जो उनसे गुफ्तगू होती है वो भी आप सुनेंगे। और एक काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि जिनका सामान गुम हो गया है वो भी आसपास में, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि वो हद से पहले ही पूरी करें रिक्वेस्ट और पता करें कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो आप लोग सब जो है वो अपनी रिक्वेस्ट अगर दोबारा पोस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन द बिल्डिंग नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा माशाल्लाह, कहाँ से आप लोग? हम लोग पूना से। अच्छा, आपकी बेटी और दामाद ने काफ़ी सारे कमेंट्स और ईमेल किए कि आप लोग उनसे जाके मुलाकात करें, आपकी वीडियो अपलोड करें, देख के उनको खुशी होगी। तो जो है हम आज आपसे मिलने आए थे। तो कल आप लोग शायद मीना के लिए रवाना होंगे। कल कितने बजे जाएंगे मीना की तरफ? इशाबाद इंशाल्लाह। अल्लाह आसानी करे आपके हज में। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके घर वालों को? हम लोग यहाँ पर सब खैरियत से है और हम दुआ भी करेंगे। उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हमारे यहाँ दुआ करे, हमारा के अरकान तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आपके हज को कबूल करे, इबादतों को दुआओं को कबूल करे। और बिल्डिंग में कोई मुश्किल परेशानी तो नहीं थी? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से गुजरे दिन मक्का में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारे हज को कबूल करे, आसानी करे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा तो आप लोगों ने सुना माशाल्लाह हुज्जाज से गुफ्तगू जो हुई। अच्छा तो हम ये बोल रहे थे कि अगर आप मुझे कोई रिक्वेस्ट रिमाइंड कराना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत बोलें कि मैंने 5 बार बताया है, 6 बार बताया लेकिन हमने रिक्वेस्ट पूरी नहीं की। तो अगर आप अपना कमेंट वापस लिख रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन द बिल्डिंग नंबर एंड रूम नंबर, ताकि मुझे आसानी हो जाए, मुझे कमेंट्स जो है वो वापस दोबारा जाके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप प्लीज़ अगर वापस से रिपोस्ट कर रहे हैं अपना कमेंट तो मेंशन द बिल्डिंग नंबर विद द रूम नंबर और अपने नेम्स के साथ आप मेंशन करेंगे, तो इससे मुझे भी सहूलत हो जाएगी। और भी इम्पोर्टेंट सारे रिक्वेस्ट जो थे वो मैंने नोट डाउन किए हैं, इंशाल्लाह दुआ करें कि वो रिक्वेस्ट पूरी हो जाए, क्योंकि 1 से 2 घंटे सिर्फ 2 हुज्जाज से मिलने में लग जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं, तो इस तरह बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो आप थोड़ा सा सब्र करें और इंशाल्लाह हम जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करेंगे मीना जाने से पहले या फिर हद से आने के बाद। इंशाल्लाह इस तरह हम मैनेज करेंगे। और यहाँ पर जो है वो रश भी ज़्यादा हो जाता है हज के करीब, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करें। इसी तरह के हज अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और भी हम इसी तरह के हज अपडेट्स लाते रहेंगे और हुज्जाज से मुलाकात करते रहेंगे। तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट करते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, हम भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और यहाँ पर आप बिल्डिंग नंबर 260 का भी जो है वो रूम टूर करेंगे, यहाँ पर भी जो हमारे हुज्जाज आए हुए थे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम।